फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके सर्दियों में पैर फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। सॉरी, बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है। हाँ, काफ़ी शोर है यार। आपके पैरों की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं कोमल और साफ चमकती एड़ियाँ, लेकिन क्या होता है फ्रेंड, कई बार इनका फटना पैरों को दर्द तो देता ही है, साथ ही साथ देखने में भी ये बहुत ही खराब लगती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि प्लीज़ मैम, हमें कुछ बताइए, एड़ियाँ हमारी बहुत फट रही हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि प्लीज़ कुछ बताइएगा। तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए और बहुत ही सिंपल है, जो भी मैं होम रेमेडी बता रही हूँ सब चीज़ आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती जो कि आपको बाहर से मिले, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ और इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में ग्लिसरीन का यूज़ किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और एक लेंगे हम बॉल। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं एक चम्मच ग्लिसरीन। देखिए, हम इसमें लेंगे एक चम्मच ग्लिसरीन। और एक चम्मच हम लेंगे वैसलीन। वैसलीन तो आमतौर से सभी के घर में मिल जाती है, तो हम लेंगे वैसलीन एक चम्मच। और अब लेंगे हम कोकोनट ऑयल। आप जो भी कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कीजिए। मेरे पास है पैरासूट, तो मैं पैरासूट यूज़ कर रही हूँ। एक चम्मच हम ले जाता है काफ़ी, तो एक चम्मच हमने इसको लिया है। और अब क्या करना है हमको, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका हमें। ये देखिए, ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए, आपको दो दिन में ही आपकी एड़ियों में अच्छा खासा फ़र्क महसूस हो जाएगा। आपकी जो एड़ियाँ फट रही हैं उसमें देखना, काफ़ी हद तक आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी सिर्फ मात्र दो दिन में आप। लेकिन हाँ, यूज़ करना जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही, और डेली यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया और उसको फिर छोड़ दिया, आपको यूज़ करना है अच्छे से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिसरीन और ऐड किया था, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ा सा कम था, क्योंकि हमें पेस्ट को इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाया इसको। ये देखिए, इस तरह से बना लेना है आपको ये पेस्ट को। और अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ई कैप्सूल मैं अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शोर हो रहा है यार। तो अब हम इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे अपनी फटी हुई एड़ियों पर, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और मात्र सिर्फ दो दिन में आप देखना, आपकी एड़ियाँ काफ़ी हद तक ठीक होने लगेंगी। किस तरह से हमें मसाज करनी है आप देख लीजिए। इस तरह से हमें पूरी एड़ियों पे और पूरे हमारे जो पैर हैं उस पर अच्छे से इस तरह से लगा लेना है, और अपने हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना है 7 दिनों के लिए, तो आप इसकी मात्रा डबल डबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्लिसरीन लिया है, तो ग्लिसरीन आप 3 चम्मच लेना, 2 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल लेना और 2 चम्मच ही आप वैसलीन यूज़ करना। चम्मच मेरी छोटी है, आप देख सकते हैं, आप जितनी क्वांटिटी में आप बनाएं उसी हिसाब से थोड़ा सा ग्लिसरीन ज़्यादा रख लेना।
और ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा आपके पैरों पर। अच्छे से इसे मसाज कर लेना है। और ये जो निशान है, मैं हर बार बताती हूँ आपको अपनी वीडियो में, ये पायल से बना है, क्योंकि मैं घर में बहुत ही हैवी पायल पहनती हूँ जिसकी वजह से ये निशान पड़ा हुआ है। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट में ये मत कहना कि आपके तो ये निशान है, आपका ही नहीं जा रहा, तो हमारे फिर किस तरह से क्या मतलब फ़ायदा करेगा। मैं हैवी पायल पहनती हूँ डेली यूज़ में। अभी मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ये हल्की पायल डाल रखी है, क्योंकि मुझे मसाज करनी है अपने पैरों की इस वजह से। तो आप अपनी एड़ियों पे भी इस तरह से मसाज कीजिए, कम से कम सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट आप इसी तरह से अपने पूरे पैर, अपनी एड़ियों पे इस तरह से मसाज कीजिए। देखिए, इससे आपकी जो स्किन का कलर है वो भी काफी हद तक ब्राइट हो जाएगा। और ये जो मैंने बनाया है, ये जो जो पैक मैंने बनाया है, इसको आप अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पर, अपने फेस पर, नेक पे, पूरी बॉडी पर, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी इससे नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये देखिए, 2 मिनट तक तो आपको इस तरह से मसाज करनी ही करनी है इस तरह से। अगर आपको भी इस तरह से इतने मुलायम और सॉफ्ट पैर चाहिए, तो आप जो मैंने ये बनाया है अपना पैक अपने पैरों के लिए, वो हमेशा यूज़ कीजिएगा सर्दियों में। और हाँ, डेली यूज़ करना है, एक दिन छोड़कर नहीं यूज़ करना है, डेली डेली यूज़ करना है आपको। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे पैर पर भी मसाज कर लेंगे। देखिए कितना फ़र्क है मसाज करने से, है ना, कितना फ़र्क है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इस पर भी इसी तरह से मसाज कर लेंगे। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे, इस वजह से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे कहने पे इसे एक बार ट्राई तो करके देखिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि 2 दिन में पूरी तरह से आपकी फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, 2 दिन में आप देखना, फ़र्क ज़रूर महसूस होगा आपको। और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो एड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन हो नज़र आएंगी आपको, देखना। लेकिन आपको डेली यूज़ करना है ये। और जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही यूज़ करना है, मसाज करनी है आपको अपने पैर की। अपनी एड़ियों पे अच्छे से लगा लेना है, इसको मसाज करनी है। जो हमारे जो तलवे हैं पैर के, वो भी काफ़ी फट जाते हैं, इसी वजह से हम इस पे भी अच्छे से मसाज कर लेंगे। उंगलियां फट जाती हैं, एड़ियां फट जाती हैं, तो हम अच्छे से मसाज कर लेंगे। ये देखिए, पैर कितने सॉफ्ट और कितने स्मूथ लग रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पैर इस समय। मसाज करने के बाद अपने पैर पर हमें अपने सॉक्स को पहन लेना है। विंटर का सीज़न तो चल ही रहा है, विंटर चल रहा है समय, है ना, तो आप सॉक्स तो पहनते ही होंगे। अगर सॉक्स नहीं पहनते तो प्लीज़ इस मसाज के बाद आप सॉक्स ज़रूर पहन लें, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आप अपने सॉक्स को निकाल कर देखना आपके पैर कितने सॉफ्ट लगेंगे और कितना आपके पैरों में चमक सी आ जाएगी एक, और आपकी जो एड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो एक बार आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखना, आप देखिएगा कितना सॉफ्ट हो गए हैं मेरे पैर।
एक बार इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखना। और अब क्या है जो अब मेरे हाथ हैं, मैं इस पर भी इसको अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हाथ भी हमारे फट जाते हैं, तो हम अपने हाथों पर, अपने फेस पर, कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसको हम अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे सॉफ्ट पैर चाहिए तो आप मेरा बताया हुआ ये मॉइस्चराइजर पैक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे आपकी जो फटी हुई एड़ियां हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक बेल आइकन नज़र आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी, आपको मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। जो ये बचा हुआ पैक है इसको आप किसी भी छोटी डिब्बी में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। आप चाहे 15 दिन के लिए बनाएं या 20 दिन के लिए बनाएं, आप इस तरह से बनाकर रख लीजिए और इसको किसी भी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप रात को ही करें, अगर आप दिन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर।